आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं विकास। अमेरिका पहुंचने से पहले जो बायोमेट्रिक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो के द्वारा मैं शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस एपिसोड। टाइम इज प्रेशियस, सो मेक श्योर आप टाइम पे या टाइम से पहले बायोमेट्रिक के दिन पहुंच जाए। बायोमेट्रिक के दिन मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट, DS-160 का कन्फर्मेशन पेज और अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज जरूर लेके जाना, बिकॉज दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर बायोमेट्रिक। अंदर भेजने से पहले इलेक्ट्रॉनिकली आपको पूरी तरह से स्कैन किया जाता है और उसके बाद अंदर भेजा जाता है। बट मेक श्योर आप किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स और अनरिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अंदर मत लेके जाना। अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेंट नोबडी इज अलाउड इनसाइड, यानी कि माता पिता, बीवी, बच्चे, दोस्त, परिवार किसी को भी अंदर अलाउ नहीं करते हैं। बट इनमें से किसी का भी अपॉइंटमेंट आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो जरूर अलाउ करेंगे। जैसे आपको अंदर भेजा जाएगा, आपसे पासपोर्ट, DS-160 का फॉर्म और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का फॉर्म लिया जाएगा। उसके बाद इन लोगों ने वेरीफाई करना है और उसके बाद आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर चिपकाएंगे। मेक श्योर ये स्टिकर आप ना निकालिए जब तक आपका इंटरव्यू नहीं खत्म होता है। उसके बाद आपके हाथ पे एक टोकन दिया जाएगा और आपको आगे जाने के लिए बोलेंगे। जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको एक बड़ा सा मॉनिटर स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन सा विंडो या कौन से काउंटर में जाके आपको अपना बायोमेट्रिक देना है। जैसे ही आपका टोकन नंबर असाइन हुआ किसी काउंटर पे, आपको उस काउंटर पे जाना पड़ेगा। जैसे आप उस सामने वाले व्यक्ति को आप मिलते हो, मेक श्योर आप खुशी से स्माइल करिए और उन्हें ग्रीट करिए, यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जरूर बोलना। उसके बाद अपना पूरा डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका पासपोर्ट, DS-160 का फॉर्म और अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन फॉर्म दे देना। उनके बाद यानी आपका फोटो, आपका फिंगरप्रिंट्स लेंगे लेफ्ट और उसके बाद राइट। उसके बाद आपको एक छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहेंगे जिस पे लिखा होगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स या आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है एम्बेसी को, ये करेक्ट है और आप पूरे नॉलेज के साथ आप ये इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद आपको ये लोग आपका पूरा डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर स्टैंपिंग करके आपको दे देंगे और आपको कहेंगे कि आप इस डॉक्यूमेंट के साथ अपना रेस्ट ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स को लेके अपॉइंटमेंट जिस दिन आपका रहेगा टाइम पे या टाइम से पहले पहुंच जाना। टाइम टू टॉक अबाउट माय US बायोमेट्रिक एक्सपीरियंस। हैदराबाद के US एम्बेसी में मैंने अपना बायोमेट्रिक दिया था। वहाँ का जो लोकल वेंडर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में जरूर बात करूंगा। व्हीकल पार्किंग का जो सिस्टम उधर डिजाइन हुआ है, टू व्हीलर को 50 या फोर व्हीलर को 100 रुपीज वो लोग चार्ज करते हैं पर घंटे को। लॉकर सिस्टम्स अवेलेबल, जो डॉक्यूमेंट्स या डिवाइसेस आप अंदर नहीं लेके जा सकते उनको लॉकर सर्विस के द्वारा आप अपने सेफली लॉकर्स के अंदर रख सकते हो। अगेन दे विल चार्ज यू 50 to 100 या 150 रुपीज पर आवर। जेरोक्स या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को एडिट या अगर आप फोटो ले रहे हो, इंस्टेंट फोटो, तो तब ये लोग, इनका जो प्राइजेस है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अब तक का जो भी सर्विसेज और फैसिलिटीज के बारे में मैंने जो बात किया है ये US एम्बेसी प्रोवाइड नहीं करता है, ये यहाँ के लोकल वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। इनके प्राइजेस समय के अनुसार चेंज हो सकते हैं। बायोमेट्रिक एक काफी सिंपल प्रोसेस है। आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप जैसे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं आपसे आपका डिटेल कन्फर्म करेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा, आपसे सिग्नेचर लिया जाएगा, आपका फोटो लिया जाएगा, एक छोटा सा नोट पढ़ने के लिए कहेंगे जहाँ पे ये लिखा होगा कि आपने जो भी प्रोवाइड किया है डिटेल्स, ये करेक्ट डिटेल्स इनको प्रोवाइड किया है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैंपिंग और सिग्नेचर करके ये आपको रिटर्न कर देंगे और आपसे कहेंगे कि वीजा इंटरव्यू के दिन टाइम से पहुंच जाना और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और इसके बाद निकलने से पहले अगर आपको किसी प्रकार का फीडबैक US एम्बेसी को देना है, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप अपना फीडबैक दे सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।